ओर से आज एक वार्तालाप का आयोजन हमने किया था। आप सभी जानते हो 31 जनवरी 2019 को पुनः एक बार अथर्वा फाउंडेशन अपने शहीद जवानों की अनसुनी कहानियां या अनसुनी गाथाएं सुनाने के लिए पुनः एक बार NSCI के स्टेडियम में 25,000 लोगों के साथ उपस्थित होगा। और मुझे ये जाहिर करते समय बहुत खुशी होती है कि इस बार 31 जनवरी 2019 को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति सन्माननीय श्री वेंकैया नायडू जी उपस्थित होंगे। आदरणीय श्री गडकरी जी इस कार्यक्रम में अतिथि होंगे। माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस होंगे। उसी के साथ साथ नागालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभ आचार्य जी भी उपस्थित होंगे। आज आप सभी ने देखा कि हमने एक नया कार्यक्रम शुरुआत की है कि हमारे देश के शहीदों की बेटियों को हमने कंप्यूटर देने का कार्यक्रम आज शुरू किया है। पहले 100 कंप्यूटर का वितरण आज से शुरू हो गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से 100 कंप्यूटर्स, कांडला पोर्ट ट्रस्ट की ओर से 100 कंप्यूटर्स और जैन पोर्ट ट्रस्ट की ओर से 100 कंप्यूटर्स, यानी 300 लैपटॉप का वितरण आज से शुरू हो गया है। मैं मानता हूँ कि देश में शहीदों ने किया हुआ काम, ये देश आज सुरक्षित है क्योंकि हमारे जवान, हमारे पुलिस, हमारे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सभी जाबाज सिपाहियों से अपना देश सुरक्षित है। और ये कार्यक्रम हम जो करने वाले हैं ये देश के शहीदों के नाम एक कार्यक्रम होगा। सर, 100 से बढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की संख्या? वैसे मैंने कहा कि 300 की सूची तो जारी हो चुकी है। पहले 100 हमने अलग अलग राज्यों में से, अलग अलग गांव में से, अलग अलग जिलाओं में से उसकी सूची हमने जाहिर की है। मुझे लगता है करीबन आने वाले 6 महीनों में हम 1,000 तक पहुँचेंगे। नहीं, सपोर्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने शहीदों के लिए बहुत मदद करती है। शहीदों को मदद करने के बारे में कोई भी सरकार कभी भी पीछे नहीं रहती। जो प्रश्न उठाया गया था वो ये था कि मदद और होनी चाहिए, जिसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि शहीदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मदद हो जाए। जैसे पहले मैंने कहा था कि ये साल 2018 में हमने जनवरी में महाराष्ट्र में शहीदों को 8.5 लाख रुपए मिलते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी मांग मान्य करते हुए उसको 25 लाख किया था। आने वाले 31 जनवरी 2019 को भी हम नए सिरे से मांग करेंगे कि हमारे शहीदों के ऊपर राज्य की सरकार नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है।